हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। मैंने इसके ऑलरेडी फोर पार्ट बना दिए हैं, आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं और उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेकर उनको देखिए। तो फ्रेंड्स आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कहा गया है कि ए ट्रेन ट्रैवल से डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक ही स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो फ्रेंड्स इसमें हमें बेसिकली कहा गया है कि एक ट्रेन है जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से अपनी चलती है तो वो मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेती है, और जब उसकी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाती है तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपकी बाइक है, आपकी स्पीड कम हो जाएगी बाइक की, आपको मतलब आपको मान लो करनाल जाना है, तो मान लो अगर आप वहाँ पर 15 मिनट में पहुँचते हैं तो आप अगर आपकी बाइक की स्पीड कम है तो आप उसमें 20 मिनट में पहुँचोगे। तो फ्रेंड्स इसमें भी कुछ उसी टाइप का है, जैसे इसमें 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रेन की कम होगी तो वो भी लेट ही जाएगी, तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है वहाँ पर पहुँचने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमको ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। तो चलो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमने उसकी स्पीड मानी थी, जैसे हमको ट्रेन की स्पीड पता नहीं थी कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से तो जा रही है 480 किलोमीटर पर आवर में, 480 किलोमीटर मतलब पर आवर नहीं, 480 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर तो कर रही है, पर हमें ये नहीं पता है कि वो कितनी देर में मतलब किस स्पीड से वो कवर कर रही है डिस्टेंस को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको उसकी स्पीड को पता नहीं था तो हमने उसकी स्पीड को एक्स मान लिया है, और स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जब स्पीड की ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर तो हमने उसकी स्पीड को भी कम करना होगा। क्यों? जब उसकी स्पीड कम होगी तो उसकी जो पहली वाली स्पीड थी उसमें से हमको उसको माइनस करना होगा, तो हमने एक्स माइनस 8 कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें और जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा 480 किलोमीटर, दोनों के लिए है 480 किलोमीटर, पर ये 3 आवर मोर लेती है ये इस स्पीड से अगर वो चलता है, तो हमको स्पीड को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स जैसे आपको पता होगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो हम उस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फ्रेंड्स जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा आ जाएगा 480, डिस्टेंस हमारा 480 है हमें पता है, और जो हमारी स्पीड है पहले हम ये वाली स्पीड लेंगे फिर हम ये वाली स्पीड लेंगे, और डिस्टेंस दोनों के लिए है कॉमन, तो यहाँ पर हमने ले लिया एक्स। और एक बार और करेंगे हम इसको ऐसी, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर हमारा डिस्टेंस है जो वो 480 किलोमीटर दोनों में कॉमन है, ठीक है ऑब्वियस सी बात है वो तो, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स माइनस 8। तो फ्रेंड्स अब हमें इसको निकालने के लिए इसकी मतलब जो इसकी स्पीड है, तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर हमें ज़्यादा में से हमें कम को माइनस करना है। ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है? ज़्यादा टाइम ये वाली इस स्पीड से चलेगी जब ट्रेन, तो ये ज़्यादा लेगी क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा है कि 3 आवर मोर लेती है जब वो इस स्पीड से चलती है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 वाई में एक्स इज इक्वल्स टू में आप सोच रहे होंगे कि क्या लिखें, इज इक्वल्स टू में 3 आएगा, क्योंकि 3 इसलिए आएगा क्योंकि जो ये मतलब कम स्पीड से चल रही है जो ट्रेन,
वो 3 आवर मोर ले रही है। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ट्रेन वाले इसमें मतलब इस एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन है, तो उसमें भी आपको यही करना है। जितने आवर मतलब मोर ले रही है वो इज इक्वल्स टू में ही आएगा, चाहे आप देख लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर हमारा 480 कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें भी 480 है, इसमें भी 480 है। तो हम 480 को यहाँ पर बाहर निकाल कर लिख लेंगे, और यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर x माइनस एज एज इट इज, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर भी बचेगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा x हमारा, और इज इक्वल्स टू में हमारा आ जाएगा 3। और तो फ्रेंड्स 480 यहाँ पर एज इट इज, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस 8, और यहाँ पर हमारा आएगा x, यहाँ पर हमारा x आ गया है, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट हो जाएगा, x की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x, x से x कट हो जाएगा, x माइनस 8 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ जहाँ पर ये माइनस का निशान दिख जाए, प्लस का निशान हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर यहाँ पर माइनस का निशान दिख जाए और दो टर्म हो यहाँ पर, तो उसको पहले ब्रैकेट में लिखिए और माइनस बाहर लिखिए, क्योंकि उनके निशान बाद में चेंज होते हैं और बाद में फिर दिक्कत आती है अगर हम निशान नहीं चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x एज इट इज, माइनस प्लस का x है वो माइनस का x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस का 8। तो फ्रेंड्स x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की माइनस 8 के साथ करेंगे तो माइनस का 8x, और इज इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 3। फ्रेंड्स x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तो माइनस का x है, ये प्लस का x है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 8, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पर 480 इज इक्वल्स टू में 3। फ्रेंड्स जो ये 480 है इस साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएगा 3/480, देखते हैं कटेगा कि नहीं। 3 1 जा 3, 1 कैरी यहाँ पर, 3 6 जा 18, ऑफकोर्स कटेगा, 3 1 जा 3, 1 कैरी यहाँ पर, 3 6 जा 18, और 0 की 0 एज इट इज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा बचा था 8x² - 8x, और यहाँ पर अब हमारा आ गया है 8/x² - 8x इज इक्वल्स टू 1/160। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है ना आपको, तो चलो शुरू करते हैं। तो 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इज इक्वल्स टू x² - 8x, 1 इस x² - 8x की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आएगा, और 160 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 की टेबल 0 से 0, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 4 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 1280 इज इक्वल्स टू x² - 8x। तो फ्रेंड्स x² - 8x, और ये इस साइड जाके माइनस का 1280 इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता था कि हमारे सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत में आप बुक अपने पास लेकर बैठिए, तो आपके सेकंड क्वेश्चन में ऊपर जो हेडिंग दी गई है क्वेश्चन 2 की, उसमें हमें कहा गया है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस सिचुएशन को हमें मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शो करना है, जो कि हमने कर दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, है। और तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो कर दिया है, हमें इसकी ट्रेन की स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कहा जाए कि स्पीड निकालनी है, तो मतलब क्वेश्चन में मतलब ऊपर हेडिंग में कहा जाए तो भी हमें काटनी है, तो ऐसे हमें नहीं निकालनी है। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।